खेलने चलेंगे माइनक्राफ्ट, और हम आपको दिखाएंगे कि माइनक्राफ्ट में क्या क्या मॉब होता है और माइनक्राफ्ट को कैसे खेला जाता है, वो भी अच्छी तरीके से इजी मोड और सर्वाइवल मोड में। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट क्रिएटिव मोड, ताकि हमें जल्दी से एंडर रैंक को हराना है और हमें वापस अपने नॉर्मल दुनिया में जाना है। तो इसलिए हम पहले लेंगे क्रिएटिव मोड, आप भी लीजिएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू करके प्ले कर देना। और गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, और गाइस गेम को लोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और यहाँ पर आपको अपने प्रेजेंटेड, और गाइस उसके बाद ये लोड होगा आराम से। अब बिल्कुल भी चिंता मत लीजिएगा, ये हटूट नहीं रहा है, ये बस लोड हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर ग्रीन ग्रीन लोड हो रहा है, और गाइस वहाँ पर मॉब दिखाएगा कि आपके सामने कौन कौन सा मॉब है, और गाइस आपको उसको पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ना पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सा मॉब होता है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा माइनक्राफ्ट लोड हो चुका है। तो चलिए माइनक्राफ्ट को शुरू करते हैं। अभी मुझे पता नहीं कि किधर जाना है, तो हम इधर ही अपना एंड पोर्टल बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा इंचेंटेड टेबल, कि हम अपने टूल्स को इंचेंट कर सके, मतलब कि जो भी हम टूल ले रहे हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए बो, ताकि हम एंडर क्वेस्ट को तो सके। उसके बाद गाइस आपको लेना होगा नेदरराइट की सोर, और उसके बाद आपको वो जो प्लम्बर है उसको टिपना है। गाइस उसके बाद आपको लेना है एंटर एंड पोर, उसके बाद आपको लेना है आई ऑफ एंटर, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार इंचेंटेड, और इसमें आप अपना कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी लिया पावर आई, और अभी हम लूँगा गाइस अनब्रेकिंग आई, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद आपको जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। सॉरी ये मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हम इसको फिर से दोबारा ठीक भी कर सकता हूँ। मेरे पास इन्वेंटरी में ग्रास ब्लॉक भी होता है, अगर आप चाहे तो ग्रास ब्लॉक लेके कुछ भी कर सकते हो, घास जैसा। और अगर आप इस पे बोन भी मारोगे तो ये फिर से शुरू हो जाए। तो फिलहाल अभी मुझे ना बनाना है एंड पोर्टल जल्दी से जल्दी। अगर आप एक के ऊपर एक रखते हो तो भी बन जाएगा आपका एंड पोर्टल, जैसे कि हम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है। सॉरी ये मुझसे गलती से हो गया था, अभी मुझे आराम से रखना होगा। अगर एक भी अंडर आई गलत लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि हम रख रहे हैं वहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन है, आपको ठीक तरह से रखना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं, और इसके ऊपर लिखा है एंडर ड्राइंग, तो आपको इसको पूरा खत्म करें। लेकिन उससे पहले आपको इस वीकन को तोड़ना होगा, क्योंकि इससे ही एंडर ड्राइंग को शक्ति मिलती है, और मैं निशाना कभी भी नहीं चूकता। जैसे कि आप देख रहे, सॉरी ये गलती से चूक गया था, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि हम कैसे एंडर क्रिस्टल को तोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर एंडर क्रिस्टल से पावर ले रहा, आप देख ही सकते हैं। अभी आपने देखा कि वहाँ से एंडर ड्राइंग ने पावर लिया, और फिर एक बार फिर से लिया, और हमें एंडर ड्राइंग, सॉरी हम गलती से यहाँ पर गिर गए थे, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं था। और इसलिए अगर आप एंडर ड्राइंग जब पापा ले रहा है, और अगर आप तभी एंडर कुस्टो को तोड़ देते हैं, तो एंडर ड्रैगन को भी थोड़ा सा डैमेज मिलता है। एक विंग कैसे बच गया, और मुझे इसको भी मारना होगा, मैं मतलब हटाना होगा, और मुझे फिर से इसको तबाह करना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने तबाह कर दिया, और ये एंडर ड्रैगन गिर गया, अच्छा हुआ वह। और गैस अगर आप इंचेंट किया हुआ सो से मारते हैं, तो इसको एक ही बार में ना थोड़ा मोड़ा ज़्यादा डैमेज मिलेगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वो से भी हम इसको मार सकते हैं गैस, और अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो कैसे रीलोड होता है। और अगर आपको बो बनाया है, आपको टीम को स्ट्रिंग चाहिए होगा, जैसे कि हम स्ट्रिंग लिए थे, और आपको देखना होगा कि एंडर ड्रैगन कब बैठा है। जैसे ही एंडर ड्रैगन बैठा, आप इसको मार सकते हो, और अगर एंडर ड्रैगन हवा में, तो आप इसको बो से मार सकते हो या क्रॉस बो से। वैसे क्रॉस बो इंचार्ज नहीं होता, लेकिन आप फिर भी मार सकते हो। और इसको क्या लगा कि हम एंडर ड्रैगन को मारेंगे तो वो चुपचाप बैठेगा? नहीं,
अंडर ड्रैगन को मुझे पूरा बैट बैट अंडर ड्रैगन बैट। अरे इसको बैटिंग में तो बहुत समय लगता है। तू एक पुखा बच गया, तुम लोगों का क्या है तो आ जाते हो पिटने के लिए। और गाइस अगर आप ऊपर जो होता है गाइस ना एंड पूरा, अगर आप वहाँ पे अंडर आ फेंकोगे और अगर आप गाइस उसके अंदर जाओगे तो आपको ना एंड सिटी मिलेगी, जहाँ से आपको मिल सकता है इलाइटा, उसकी मदद से आप ना उड़ भी सकते हो, उसकी मदद से आप ना बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप उड़ सकते हो, आराम से लैंड कर सकते हो। गाइस अगर आप सर्वाइवल मोड में होंगे तो आपको ना हल्का सा भी डैमेज नहीं पहुँचेगा, अगर आप जल्दी में करेंगे तो आपको डैमेज पहुँचेगा, आपका फोर हेल्थ आपका फोर हार्ट चला जाएगा, जैसे कि गेम में होता है, जैसे कि लॉकी क्राफ्ट होता है एंड माइनक्राफ्ट एंडर ड्रैगन। और वैसे भी गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंडर ड्रैगन का बहुत थोड़ा सा हेल्प, देखिए मैंने एंडर ड्रैगन को इसी के साथ मार ही दिया है। और गाइस इसमें से आपको बहुत सारा एचपी मिलेगा, जिससे आपका एचपी वाला चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप एचपी फार्म भी बना